बड़ी हैरानी होती है कि जो पुराने इनजस्टिस पंजाब नाल हुए सी उन्होंने ठीक करने की बजाय पंजाबियों के जख्मों के उत्ते मलम लाने की बजाय लगातार एक एक करके यहोजे फैसले लए जा रहे कि जिदे नाल पंजाबियों का जिहड़ा गला भी घुटिया जा रहा साडे हकां दे उत्ते भी होर डाके पाए जा रहे। और अफसोस इस गल का मैं याद है 9 जुलाई 2022 जिहड़ी जोनल मीटिंग हुई सी पाकिस्तान के देश के गृह मंत्री ने गल की सी उस मीटिंग के आ जिहड़े हुण साचा रचियां जाण लगियां इहदी नींह रखी गई सी। और उस मीटिंग के हाजिर सन गृहमंत्री ने अपने आप ही एक ऑर्डर कर दिता कि जो पंजाब के पुराने मसले ने हरियाणा आपस मुख्यमंत्री बैठ के उन्होंने हल कर ना तो बाजवा साहब बैठे या जी जो भी अपोजिशन है किसी विधानसभा के विधानसभा भरोसे जाए जेडे मुद्दे पंजाब के पंजाब रीऑर्गनाइजेशन एक्ट के पार्लीमेंट ने एक्ट पास करके उदो देखा हुआ उन्होंने उत्ते एक मीटिंग के मुख्यमंत्रियों के अपने आप फैसला किमें लैके तो पंजाब के नाल एडा वड्डा धोखा कर सकते उतो जड़ शुरू हुई। पहला काम जिहड़ा जिक्र पहला होया हरियाणे ने जिहड़ी उत्थे साजिश रची गई उस मीटिंगां होईआं पहला वक्री जमीन आयां दी मंगी गई ते साडे मुख्यमंत्री साहब जो केजरीवाल दा हुकम सी कि हरियाणे दी इलैक्शन है उन्हां नूं नाराज नहीं करना इन्हां ने ट्वीट करके सपोर्ट कर दित्ता। उस तों बाद हरियाणे दे कालेज दुबारा पंजाब यूनीवर्सिटी दे नाल अटैच करता मुद्दा करके सारे राजी हुए कि 50 साल बाद कितों याद आ गया दोबारा हूँ तो असं चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की गल करते इतने दोबारा जोड़े है 50 साल बाद फिर अपने कॉलेज किस तरीके अपना जरा कंट्रोल है जमीन मंग के कॉलेज दोबारा अटैच करके उसे अपना हक जरा चंडीगढ़ के फिर स्थापित करना शुरू कर देगा। और साढ़े मुख्यमंत्री साहब बिना पंजाबियों की प्रवानगी ले बिना हाउस को प्रोसीडेंस ने साढ़े मुख्यमंत्री जाके वो मीटिंगा जीडिया उन्होंने अटेंड करने शुरू कर दी। फिर पानिया के मसले के उत्ते भी जो पता कि तुम दोनों मुख्यमंत्री आपस में बैठ के की हल करो साडा स्टैंड की दफ्तर पता क्लीयर सी कि ना साढ़े को जमीन है ना साढ़े को पानी है तो फिर कहते वास्तव जाके मीटिंग कर दी क्योंकि पंजाब रीऑर्गनाइजेशन एक्ट के 72 सैक्शन के बीच 3 साल क्लास के बीच 3 चीज़ा इंटर स्टेट बॉडी कॉन्फ्रेंस क्लियर की थी उसके पंजाब यूनीवर्सिटी भी है उसके पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी थी उसके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक स्कूल थी तो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के सीटा के आस पास में बन गई फिर हमें खत्म हो पहले इन्होंने 60 बारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ एक साजिश है इंटर स्टेट बॉडी क्लेम की थी और अज की डेट के बीच भी हैरानी है कि पार्लीमेंट का एक्ट अमेंड नहीं होया तो स्टेट का जोड़ा एक कानून बनया वो तहत धक्के गुरुद्वारा के कब्जे कर दिए जदों ये एक्ट इतने का प्रमाण बना तो पार्लीमेंट पहला 1925 का गुरुद्वारा एक्ट अमेंड करे पर यह धक्का साढ़े हो ओ एक्ट अज की डेट के भी स्टैंड करता तो जोड़े कब्जे से वो जो हरियाणा की अपनी विधानसभा की कमेटी बनी है वह एक्ट सुपरसीड कर सोचा कि स्टेट का एक्ट पार्लीमेंट के एक्ट को सुपरसीड कर रहा और वही दसो तो इस तरह जी पंजाब यूनीवर्सिटी है जब इंटर स्टेट बॉडी कॉर्पोरेट है तो बिना पंजाब को भरोसे में लिया बिना विधानसभा को भरोसे में लिया ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
हिस्सा। इस करके मैं जेने भी पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के जगवंत जी के सारे सैनिक के मैंबर से इन्हों सारे साथी इतने बैठे हैं, असं थोड़े नाल तकड़े हो क्योंकि उ कुछ होना जिमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होया। इस करके हम फिर तुम तकड़े हो जाओगे, बड़ा एजुटेशन करने की लड़ पाओगे, एजुटेशन करो सारे अभी थोड़ा साथ देंगे। किसी भी हालत के लिए जेने मनसूबे है जो फैडरलिज्म के भी खिलाफ और जोड़े पॉलिसिया सेंट्रलाइज करके जी संस्थावान खत्म करने की कोशिश हो रही है, यहाँ सारे आप बैठ के विरोध करिए।